गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पेपर पढ़ रहे हैं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पेपर में मैंने आप लोगों को भारत में संविधान के निर्माण से लेकर राज्यों की वो केंद्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान संशोधन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक लगभग हम पढ़ चुके हैं। यह आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। हम लोग सेंट्रल सिस्टम को पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में या राज्य व्यवस्थापिका में या राज्य के शासन में हम लोग बात करते हैं कि राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय शासन को अपनाया गया है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए राज्य में भी राज्य की जो व्यवस्थापिका है, राज्य की व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं और न्यायपालिका का अलग स्ट्रक्चर होता है। आज हम राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में बात करेंगे। भारत में राज्य व्यवस्थापिका का गठन राज्यपाल तथा एक या दो सदन मिलकर किया जाता है। भारत में सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं नहीं हैं। केवल जो भारत के पांच राज्य हैं उन पांच राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं हैं, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा। ये पांच राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। और ये कुछ ही राज्य हैं, ये पाँच ही राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। वर्तमान में भारत के केवल पांच राज्यों में ही ये द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पर संसद विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उसका समापन भी कर सकती है। इस प्रकार किसी राज्य में द्वितीय सदन का होना या न होना वहाँ के विधानमंडल पर निर्भर करता है। राज्य विधायिका के अंग हैं राज्यपाल तथा विधानमंडल। और कुछ राज्यों में, ये जो पांच राज्य हैं उन पांच राज्यों में विधान परिषद भी राज्य विधायिका का ही एक अंग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो अथवा एक सदन से मिलकर बनेगा। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो भारत संघ के पांच राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में राज्य विधान परिषदें विद्यमान हैं। जब हम इनकी संरचना की बात करते हैं, विधान परिषदों की संरचना की बात करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 171(1) में कहा गया है कि राज्यों की विधान परिषद की सदस्य संख्या के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है कि यह संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, पर किसी भी विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए और इन सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन निम्नलिखित निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाता है, जैसे राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड व अन्य स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य चुने जाते हैं। राज्य के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा सदस्यों के 12वें भाग का निर्वाचन किया जाता है। नागरिक को स्नातक की डिग्री लिए हुए 3 वर्ष होने आवश्यक हैं। माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों के द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। एक तिहाई सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं जो वर्तमान में विधानसभा सदस्य नहीं हैं। शेष
1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामजद किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में विशिष्ट स्थान रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उन्हें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार जो विधान परिषद है, उस विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। राज्य विधानसभा राज्य के नागरिकों की प्रतिनिधि सभा होती है। इनके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नागरिकों के द्वारा होता है। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो, राज्य में 180 दिन रह चुका हो और जो अन्यथा अयोग्य ना हो, उसे राज्य विधानसभा निर्वाचन में मत देने का अधिकार होता है। जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर मतदाताओं में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए कुछ स्थानों को सुरक्षित रखा गया है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल उस समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 170 राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित करता है, लेकिन सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या सन 2026 तक स्थिर कर दी गई है। मतलब 2026 तक की जनसंख्या गणना तक राज्य विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होते हैं, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। यद्यपि निर्वाचन के लिए कई व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, लेकिन चुना एक ही व्यक्ति जाएगा। जिसको सर्वाधिक बहुमत मिलेगा वही व्यक्ति विजयी घोषित होगा। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में वहाँ की जनसंख्या के अनुरूप विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा सदस्य थे, उत्तराखंड के 70 विधायक और मणिपुर में यह संख्या 60 है। अब हम विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करते हैं। विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन उसे कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं हो, संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। इसी के साथ हम डिस्क्वालिफिकेशंस को भी देखते हैं। अयोग्यताएं, वे व्यक्ति विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे जो विदेशी नागरिकता स्वीकार कर चुके हों, अपने को दिवालिया घोषित कर चुके हों, पागल घोषित किए जा चुके हों, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर हों और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए गए हों। स्थानों की रिक्तता के संदर्भ में यदि कोई सदस्य विधानसभा की कार्यवाहियों से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है, या फिर कोई सदस्य सदन से स्वयं त्यागपत्र दे दे। एक व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों सदनों में चुनाव होने पर उसे एक स्थान छोड़ना पड़ता है और उसका स्थान रिक्त हो जाता है। एक व्यक्ति दो राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता। वेतन व अन्य सुविधाओं में राज्य विधानसभा के सदस्यों पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं विधानमंडल द्वारा समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल में 42वें संशोधन के द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जनता शासन काल में इस समय को वापस घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राज्यपाल राज्य विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है और यह राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल में संसद विधि निर्माण द्वारा विधानमंडल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आपातकाल समाप्त होने पर इसके बढ़ा हुआ समय अधिक से अधिक 6 माह रह सकता है। सामान्य अवस्था में 5 वर्ष के पश्चात विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है और दोबारा विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाते हैं। अधिवेशन और गणपूर्ति के संदर्भ में राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशनों को आहूत करता है।
बैठकों का समय भी वही निश्चित करता है। आम निर्वाचन के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में विधानसभा सत्र का उद्घाटन करता है। एक वर्ष में विधानसभा के दो अधिवेशनों का होना अनिवार्य होता है। दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएँ हैं वहाँ राज्यपाल उन दोनों का सम्मिलित सत्र आहूत कर सकता है। विधानसभा की कार्यवाही को तभी वैध माना जाता है जब गणपूर्ति की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 के बराबर होगी। इससे कम सदस्य यदि सदन में होंगे तो बैठक नहीं हो सकेगी। इस प्रकार राज्यपाल विधानसभा की गतिविधियों का संचालन करता है। विधानसभा के अधिकारी और उनका चयन और प्रच्युति के संदर्भ में राज्य विधानसभा में दो पदाधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा सदन की प्रथम बैठक में किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निष्पादन करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाते हैं तो राज्यपाल सदन के किसी सदस्य को इस कार्य का उत्तरदायित्व सौंप सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर विधानसभा दूसरे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। विधानसभा के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को पदच्युत भी किया जा सकता है। इस उद्देश्य से यदि विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है तो उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। ऐसी बैठक में अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता पर बैठक में उपस्थित होकर बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है और विधानसभा विघटन के साथ उसका पद समाप्त नहीं होता। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियों व कार्यों के बारे में बात करेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष सभा में व्यवस्था व मर्यादा को बनाए रखता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करता है। भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करता है। विधानसभा में उसकी अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। संविधान तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की विधानसभा अध्यक्ष व्याख्या करता है। सभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष को वह नामजद करता है। साधारणतया वह सभा में मतदान नहीं करता लेकिन गतिरोध की स्थिति में, मतलब जब किसी भी बिल पर, किसी भी विधेयक पर समान मत पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों को सभा से निष्कासित या निलंबित कर सकता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सभा की कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त अशिष्ट व असंसदीय शब्दों को वह कार्यवाही से निकाल सकता है। किसी मंत्री के त्यागपत्र देने पर उसे सभा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है। वह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसे संबोधित भी कर सकता है। अव्यवस्था की स्थिति में सभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। इसी प्रकार दल बदल पर उठे किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को ही होता है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। विधानसभा का अध्यक्ष और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा विधानसभा में विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, निर्णायक मत देना, ये सभी कार्य जो होते हैं ये सभी कार्य विधानसभा अध्यक्ष के होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के पश्चात, मतलब कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेदारी विधानसभा के अध्यक्ष की होती है और विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्यवाही का संचालन इस प्रकार किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक ऐसे प्रस्तुत हों और जिन पर कानून का निर्माण किया जा सके, इसका दारोमदार या शांति से सदन की कार्यवाही का संचालन विधानसभा के अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी होती है।
इसके बाद हम बात करेंगे विधानसभा की शक्तियों और कार्यों की और राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल जो होता है, मतलब किसी भी राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है, उस राज्य की व्यवस्थापिका में, जैसे हम केंद्र की व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो केंद्र की व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किसी भी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, उसे पास कर दिया जाता है। जब कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। इसी प्रकार राज्य की व्यवस्थापिका की जब हम बात करते हैं, केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। बाकी राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। किसी भी विधेयक पर कानून निर्माण का जो अधिकार होता है वो व्यवस्थापिका को होता है, उसमें विधानसभा होती है। विधानसभा के द्वारा किसी भी विषय पर विचार विमर्श होने के पश्चात वो विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के द्वारा जब उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वह कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार राज्य व्यवस्थापिकाएँ कार्य करती हैं। जिस प्रकार सेंटर या केंद्र में राज्य व्यवस्थापिकाएँ कार्य करती हैं, उसी प्रकार राज्यों में भी व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कार्य किया जाता है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को राज्य विधानमंडल की शक्तियों व कार्यों के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।